हाय गाइस, वेलकम टू ई पेडागॉग। हमने अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम इस क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप उन्हीं स्लाइड्स को जो रिलेवेंट स्लाइड्स हैं उनको एक बार छोटे थंबनेल में आप देख पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। याद है हमने सॉइल फॉर्मेशन के वक्त हमने पढ़ा था कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके अंदर पेरेंट रॉक था, क्लाइमेट था, ऑल्टीट्यूड रिलीफ था, राइट, ह्यूमस था, फ्लोरा फौना था, ये सारी चीज़ें थी। ये वाली स्लाइड हमने पढ़ी थी। इस स्लाइड में से कोई भी इंपॉर्टेंट, जो दो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं, एक क्लाइमेट और एक पेरेंट रॉक। तो ये दो इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स जिनके की बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से दो ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि आज लैंड डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने, याद है आपको ये स्लाइड पढ़ी थी, याद करो स्लाइड को, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है और उन पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड्स भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो वो क्या हो गया, एक तो ये वाला हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, दूसरा हमने ये चैलेंज पढ़ा था कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा केमिकल्स का और ज़्यादा पानी का ऐसे एरियाज में एग्रीकल्चर करने के लिए जो वाटर डेफिशिएंट ऑलरेडी हैं, जिससे कि लैंड सैलिनाइजेशन या सॉइल सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो ये दो आप इसमें लिख सकते हो कि ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड डिग्रेडेशन क्या था, याद है हमने पढ़ा था, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब था कि अगर लैंड की बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक कैपेसिटी कम होने लगे तो हम उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कंसिडर किया जाता है। जाहिर सी बात है कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है, इन सारे यूजेस को, ये सारे जो काम हैं हम किस पे कर रहे हैं, लैंड के ऊपर कर रहे हैं, चाहे खेती हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे रेसिडेंशियल एरियाज का बनाना हो, चाहे रोड्स बनाना हो, चाहे इंडस्ट्रीज बनानी हो, ये सब हम हवा में या पानी में नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत है। तो आप इनमें से कोई भी दो चीज़ों को आप इसको लिख सकते हो। तो ये क्या है, लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है सरफेस इन सारी चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट है, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद है हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए सरकार बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसमें नेशनल पार्क को खोलना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खोलना, इसके अलावा वन महोत्सव जैसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना, स्ट्रिंजेंट फॉरेस्ट लॉज को लेके आना। आपकी किताब में दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सको तो आप लिख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1980। ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि सरकार ला रही है, जिसके माध्यम से सरकार ये जो जंगलों की कटाई है और जानवरों की जो पोचिंग है उसको रोकने का काम कर रही है। इसके अलावा ये सारे आपने देखे कि सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स जैसे कि वन महोत्सव, ये वन महोत्सव करने से क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है जंगलों के बारे में, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं जिससे कि हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं जो उनको हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि पानी को कंजर्व करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें बताएं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो गलत चीज़ कर रहे हो उसे करना बंद कर दो, और प्लस अपना दिमाग लगा के कुछ नई चीज़ सोचो। तो हमने एफॉरेस्टेशन सीखा था, हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीखा था, इसके अलावा हमने ये समझा था कि कुछ एरिया जहाँ पे ड्राई एरियाज हैं वहाँ पे आप स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन को अप्लाई करने की कोशिश करो, काफ़ी आपके लिए हेल्प मिलेगा। और ये वाली स्लाइड थी आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए, ठीक है, विजुअल फीडबैक, एक विजुअल आपको हेल्प मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट है ये MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और आप जल्दबाजी में क्या करते हो, ये तो हमारे को पता है, हम फटाफट टिक कर देंगे, बट आराम से समझना है, ये नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है। पहली चीज भाई, साहिर सी बात है, ये क्या बोल रहे हैं, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। साहिर सी बात है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो बल्ब को बंद कर दो, क्योंकि उसके पीछे जो कोयला जल रहा है आप उसको रोक सकते हो। दूसरा है, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। जाहिर सी बात है, आपने यूज कर लिया, टैप बंद कर दो, पानी बचेगा, ये भी ठीक है। डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, इससे आप कंजर्वेशन कैसे कर रहे हो भाई, ये तो समझ ना आ रहा हमको। ये क्या बोल रहा है, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग के बाद पॉली बैग्स को डिस्पोज कर दो। डिस्पोज का मतलब होता है गेट रिड ऑफ। तो आप उससे नेचर का कैसे कंजर्वेशन कर दोगे, तो दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? तो ये बोल रहे टाइम, डेफिनेटली टाइम जो है क्या करता था, सॉइल को मैच्योरिटी प्रोवाइड करता था। दूसरा ऑर्गेनिक, ये इसको पहले देखो, ऑर्गेनिक मैटर, याद है ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ह्यूमस बनाता है और सॉइल के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तीसरा है सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर का सॉइल के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, सो योर आंसर इज बी टेक्सचर, दिस इज योर आंसर। लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड, उसको वहां पर भी टिक कर देते हैं, ये दिस वॉज योर आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया था, ये हमने कर लिया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, याद है हमने सॉइल को बचाने के लिए अलग अलग तरीके देखे थे, क्योंकि सॉइल अलग अलग जहां पाई जाती है, जो समंदर के पास बचाने के लिए था वो शेल्टर बेल्ट था, जो क्या बोलते हैं फील्ड्स में था वो मल्चिंग था, जो वहाँ से आ रहा था जो पहाड़ों पे था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम टेरेस फार्मिंग कर रहे थे कि ताकि मिट्टी जो स्लोप की वजह से तीरा पानी उसको बहा के ना ले जाए, ऐसे करके हमने टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिस स्पीड ऑफ द वाटर शुड डिक्रीज एंड इट शुड नॉट टेक ऑफ द वाटर लाइक दैट, राइट। सो शेल्टर बेल्ट्स, ऑफकोर्स इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल इन द कोस्टल रीजन। सेकेंड इज मल्चिंग, ऑफकोर्स इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग द सॉइल। टेरेस कल्टिवेशन भी है, ये आर नहीं है, इसको अभी आप इग्नोर करो। सॉरी, क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। ओके, ये है हमारा मेन, स्टीप स्लोप पे कौन है, टेरेस कल्टीवेशन है। सो हमारा आंसर ये हो जाएगा, टेरेस कल्टीवेशन पहाड़ों में प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि वो क्या करेंगे, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिससे कि स्पीड जो होगी सॉइल इरोजन की वो काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अब ये हमारे को क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। याद रखना, मैच द फॉलोइंग करने का ना एक बड़ा सही तरीका होता है, हो सकता है भाई चारों के चारों तुम्हारे को समझ में ना आए, आप एक काम करो जो सबसे आसान लगता है उसको पकड़ो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और आसान मुझे जो लग रहा है वो बायोस्फेयर है, क्योंकि हमने पढ़ा था बायोस्फेयर क्या है, तीन जोन्स के इंटरेक्शन से बनने वाला वो जोन जो जिंदगी को सपोर्ट करता है। कहाँ है बी, देखो, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। सो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जी, तो फोर्थ का हो गया बी हमारा। चलो भाई, फोर्थ बी में जाके बैठ चुका है, अब हमारे को देखना है दूसरा वाला, कौन सा वाला है, इसको देखते हैं, रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या करता था, याद है सॉइल इरोजन को बचाने का तरीका जो पहाड़ों में हमने अक्सर देखा था, देखो कहीं ना कहीं होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो थर्ड जाके बैठ गया ए घर में, यानी ए और बी ऑलरेडी बुक हो गए भाई। अब क्या बोल रहा है, ह्यूमस, याद है ह्यूमस क्या पड़ता है, ऑर्गेनिक मैटर जो कभी जिंदा था बट अब सॉइल के अंदर है या सॉइल के ऊपर है, तो ये ह्यूमस है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ये देखो, ये सेकंड जाके बैठ गया डी में, और लास्ट में लैंड यूज, जाहिर सी बात है लैंड यूज कौन सा बच गया, या तो सी हो सकता है या तो ई हो सकता है। लैंड यूज मतलब लैंड को आप किस लिए यूज कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्टिव यूज करोगे, मतलब इस तरीके से यूज करोगे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आ सके। तो फर्स्ट जाके बैठता है कहां पर, फर्स्ट बैठता है सी के अंदर, यानी ये बैठ गया इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके ओके, सो ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का, सही गलत। सो ये पहला वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो प्लेन है इंडिया का, ये बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। जाहिर सी बात है बिल्कुल है, क्योंकि वहां पर सारी फेवरेबल कंडीशन है, उस फेवरेबल कंडीशन के वजह से वहां पर लोग जो है वो रहते हैं, राइट, उन्होंने वहां पर रहना पसंद किया है। तो क्या बोल रहे हैं, ये ट्रू हो गया, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, बिल्कुल है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। हर ये पर पर्सन का मतलब ये है, हर एक इंसान के लिए पानी की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जा रही है, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। लो भैया ये आ गया, ये विलन है, ये फॉल्स है। क्या कहते थे उसको, उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते थे, जो समंदर के पास में कोस्टल एरियाज में ट्रीज की एक बेल्ट लगाई जाती है, क्योंकि वहां हवा अक्सर चलती रहती है, वो हवा की स्पीड को कम कर देती है जिससे कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। और ये सारी चीज क्या है, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते।
इसके बाद लास्ट वाला था ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। अच्छा जी, ये कब सोने लगा? ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट का चेंज मेंटेन करता है इकोसिस्टम। ऐसा हो सकता है क्या हमारे इंटरफेरेंस से इकोसिस्टम बैलेंस हो रहा है? नहीं। तो ये भाई साहब भी विलन निकले, इनको भी फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, विद दिस वी फिनिश ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर। आई विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप कि आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को करने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करी होगी। रेस्ट वापस से मिलते हैं चैप्टर 3 में। टिल देन थैंक यू सो मच।